वेलकम इन सेंसन स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 20 करवाने जा रहा हूँ। ये गणित की कक्षा छठी की रहेगी और आज की जो वर्कशीट जो छठी की है 13 सितंबर की, उसमें हम भिन्न में भिन्नों की तुलना करेंगे। देखिए, जो भिन्नों की तुलना की जाती है वो दो प्रकार से होती है, एक समान भिन्न से और एक असमान भिन्न से। और मैं आपको ये बता दूँ भिन्न होती क्या है। जब हम किसी संख्या को अंश बटे में हर के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/4, 5/7, तो ये जो हम बटे में लिख रहे हैं इसी को भिन्न कहा जाता है। और आज हम इसी भिन्न की तुलना करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि भिन्नों की तुलना दो प्रकार से की जाती है, एक समान भिन्न और एक असमान भिन्न। आओ फटाफट पढ़ते हैं और सीखते हैं। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज्ज़ा का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। ठीक है, पौष्टिक मतलब आपको पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब ढोलू की थाली में 3/1/2 पिज़्ज़ा है और भोलू की थाली में 2/3/4 पिज़्ज़ा है। देखो, आप आराम से यहाँ पर पहले पता लगा सकते हैं। अगर ये पूछेगा कि ढोलू और भोलू में से किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है, तो आप देखिए इसके पास 3 पिज़्ज़े पूरे हैं, 1, 2, 3, और आधा भी है इसके पास। ठीक है, आधा भी इसके पास, ये पूरे पूरे हैं और ये आधा भी है। जबकि भोलू के पास 2 पूरे हैं और जो लिखा ना 3/4, यानी कि इस तरीके से ये वाला हिस्सा 3/4, जैसे 4 हिस्से करें तो 1, 2, 3 हिस्से ही है। तो इसके पास कितना है, 1, 2, और 2 पूरे पूरे हैं, 3 से तो कम है ना। तो हम सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि जो ढोलू है ना उसके पास जो है वो पिज़्ज़ा ज़्यादा है। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है, मैंने आपको बता दी। अब देखो, ये कैसे पता लगाओगे कि इनमें जो है कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो देखो, आपको क्या करना है, पहले सबको जैसे कितने 1, 2, 3, 4, तो आपको ना 4 पार्ट ले लेने हैं, ऐसे से पूरे पूरे सेम बना लेना। बना लिए जैसे पिक्चर में बने हैं। अब यहाँ लिखा है कि पहले वाले में आपको 2 पार्ट करने हैं, तो आपने 2 पार्ट कर दिया, 1, 2। ऐसे ही आपको जो अगले वाले में बोला गया है आपको 3 पार्ट करने हैं, 1, 2, 3। ऐसे ही उस अगले वाले में आपको बोला गया 4, तो आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4 इक्वल करने हैं, बराबर। ऐसे पाँचवें में 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया। अब आपको क्या बोला गया है, 2 में से 1 पे कलर करना है, तो ये 2 हमने करे, इस पर 1 पे कलर कर दिया। ऐसे इसमें बोला गया 3 में से 1 पे करना है, 1 पे कर दिया। 4 में से 1 पर करना है, 4 में से 1 पर कर दिया। ऐसे 5 में से 1 पर कर दिया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनमें से कौन बड़ा होगा। देखो, इसके पास ज़्यादा कलर आ रहा है ना, तो ये वाला बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा, तो ये आ गया। तो हम पिक्चर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक हमने पहले एक पार्ट बना दिया, पूरी की पूरी चीज़ बना दी, फिर जितना बोला था उतना उसके पार्ट कर दिया। नीचे जितना लिखा होगा ना उतने आपको पार्ट करने हैं। ठीक है, एक और देखो आप। ठीक है, अब हम समान भिन्नों की तुलना करेंगे, फिर असमान भिन्नों की तुलना करेंगे। अब देखिए, जो समान भिन्नों की जो तुलना है वही मैंने आपको बताया, एक तरीका, सिंपल तरीका भी रखिए। पहले आप एक पूरी स्लाइस बना दीजिए, ऐसे बना दिया। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर जो है ना समान भिन्न है, तो यहाँ पर नीचे कितना लिखा है, 7, तो आपको 7 टुकड़े करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि इसमें भी 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ऊपर कितने हैं, 3, तो आपको 7 में से 3 पर कलर करना है, 1, 2, 3 पर कलर कर दिए। ऐसे इसमें कितने करने हैं, 5 पर, 1, 2, 3, 4, 5 पर आपने कलर कर दिए। अब आप आराम से देख सकते हैं कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो हमने क्या सीखा कि जब समान भिन्न होती है तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो जो ऊपर बड़ी रकम है, ठीक है, जो ऊपर बड़ी रकम उसकी तरफ आप जो ग्रेटर का साइन लगा देंगे। समझ में आ गया आपको, इस तरीके से आपने यहाँ पे साइन लगा दिया। जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ आपको ओपन करना है, बस इतना रखूँ, क्योंकि बच्चे ना दोनों याद रखते हैं कि जो बड़ा है उसके आगे ओपन करना है, जो छोटा है उसके आगे क्लोज करना है, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बस इतना रखो, जो बड़ा है उसके आगे आपको इस तरीके का साइन लगाना है। अब देखो, आपने समान भिन्नों की तुलना कर ली ना, अब मैं आपको असमान भिन्नों की तुलना बताता हूँ। ठीक है, देखो, एक तरीका तो यह है कि आप पिक्चर से कर सकते हैं। मैंने आपको कैसे बताया कि आप पहले कोई भी कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना है, एक आपने बड़ी सी स्लाइस ऐसे बना दी, क्योंकि दो जनों की तुलना करनी है, तो हमने जो है एक ये बना दी, एक ये बना दी। समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पर बोला गया 3, तो आपको 1, 2, 3 टुकड़े करने हैं, और इसमें बोला गया 4, तो 1, 2, 3, 4 टुकड़े कर दिए। अब ऊपर क्या लिखा, 3 में से 2 पर कलर करना है, 1, 2 पर कलर कर दिए। उसके बाद यहाँ बोला 4 में से 3 पर कलर करने हैं, 1, 2, 3 पर कलर कर दिए। अब आप बताइए कौन सा बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है। देखो, पिक्चर से कितनी जल्दी हमने बता दिया। अब हम एक और विधि को सीखेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है। देखो, पिक्चर से तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए बहुत सिंपल है।
ये जो 2/3 लिखा है ना, आप इसका टेबल लिख लीजिए, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 का टेबल लिख दिया ऊपर, ऐसे नीचे 3 का टेबल लिख दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। अच्छा एक बात याद रखना कि अगर जैसे 2 × 2 = 4 ले रहे हैं तो 3 × 2 = 6 लेना है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट लेना है, बराबर लेना है। अगर यहाँ पे कहने का मतलब है अगर हम 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और ऐसे ही हमने 3/4 का कर दिया, ठीक है। देखो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 16, ठीक है। अब आप इसको काट के देखोगे ना तो सेम ही आएगा, जैसे ये 4 से 2 कटते हैं तो 4 × 0 = 12, 4 × 4 = 16, 3/4 आ रहा है ना, इसलिए इसको इक्विवेलेंट कहा जाता है, समतुल्य कहा जाता है, क्योंकि आप किसी को भी काट लो आंसर आपका बराबर ही आएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है कि इस पूरे में से कौन सा ऐसा है जिसका हर सेम है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, तो हमने इन दोनों को ले लिया 8/12 और 9/12 को, तो हमने लिखा 2/3 और 3/4 में समान हर 12 वाली तुल्य भिन्न कौन सी है। तो देखो 12 वाली कौन सी है, एक 8/12 और एक 9/12। अब आप बता सकते हैं 8/12 किसकी है, 2/3 की, और ये जो आपको 9/12 है वो किसकी है, 3/4 की। अब आप देखिए 8/12 बड़ा है या 9/12 बड़ा है, सिंपल सी बात है 9/12 बड़ा है, हाँ या ना, 9/12 बड़ा है और 8/12 छोटा है। तो अब आपको क्या करना है, 9/12 का नाम क्या है, 9/12 का नाम है 3/4, तो 3/4 लिख दिया इसकी जगह। ऐसे 8/12 का नाम क्या है, 2/3 है, तो हमने 2/3 लिख दिया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जो बड़ा था वो बड़ा हो गया और जो छोटा है वो छोटा हो गया, ठीक है। अगर आपको जैसे पता नहीं लग पा रहा ना कभी कभी, तो आप इसको डिवाइड करके भी पता लगा सकते हो, दोनों को डिवाइड कर लो फिर पता लगा लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। जैसे 3 अंदर लिखा 4 बाहर, क्योंकि जो ऊपर वाला अंदर आता है तो आप इसको डिवाइड करना, ठीक है। ऐसे ही आप 2/3 को जब डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन बड़ा है। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो 0.75 के आसपास आएगा, इसको करोगे तो 0.66 के आसपास आएगा, तो ये 75 वाला बड़ा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे बोला जाता है कि आपको तुल्य भिन्न का प्रयोग करके करना है तो फिर आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया, मैं आपको अच्छे से आंसर के साथ दिखाऊंगा ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। बहुत ही ईजी है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से दोनों में से कौन बड़ा होगा, और मैंने आपको बताया था समान भिन्न वाला। मैं आपको सीधा आंसर की तरफ ले चलता हूँ ताकि आप अच्छे समझ लें, लेकिन एक बात यह है कि क्वेश्चन जो है यहाँ से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं अब आपको आंसर दिखाता हूँ पहले का। देखिए कॉपी पर आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं, एक ही है और एक ही है, ठीक है। तो देखिए पहले का आंसर तो आपको पता ही है, दोनों समान भिन्न वाले हैं, और तो समान भिन्न वाले जब होते हैं तो ऊपर जो बड़ी रकम होती है उसी को हम बड़ा कहते हैं, तो 3 आ गया, है ना। ऐसे देखिए यहाँ पर भी यही था, 7 7 था, तो 5 ही बड़ा होगा। अब उसके बाद हमें पता लगाना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो आपको क्या करना है, पहले ऊपर 5 का टेबल लिख लो, नीचे 6 का टेबल लिख लो, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 15, 5 × 6 = 20, 6 × 12, 6 × 8 = 18, 6 × 4 = 24, ठीक है। इसको मैं इससे बता रहा हूँ टेबल से कि इससे ईजी रहता है, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, जो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वही नीचे मल्टीप्लाई करनी है, तो उसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो सिंपल तरीका ये कि आप टेबल लिख लो। अच्छा कई बच्चों के मन में आ सकता है, सर ये कितने निकालें, डोट डालते रहें। आप कम से कम जो है 4 निकाल लो, 5 भी निकाल सकते हो, 6 भी निकाल सकते हो। तो जितने भी, जैसे 4 तक निकाल लिए तो आप डोट डाल दो, ठीक है। 3 डोट डालनी पड़ती है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 1/4 है, तो 1/4 में क्या करें, 1 का टेबल लिखिए, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3, 1/4 = 4, 1 × 5 = 5, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 16, 4 × 5 = 20, हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि दोनों में, पूरे ग्रुप में कौन सा है हर समान 12 12 दोनों में। तो हमने यही लिख लिया कि एक 10/12 है और दूसरा 3/12 है। ये स्टेटमेंट जरूर लिखना कि 5/6 और 1/4 में समान हर 12 वाली तुल्य भिन्न क्रमशः इतना और इतना है, पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि 10/12 किसकी है, आप देखिए 10/12 किसकी, 5/6 की। ऐसे ही जो 3/12 है वो किसकी है, 1/4 की। तो अब आपको बताना है कि कौन बड़ा है, 10/12 बड़ा है या 3/12 बड़ा है। आपको पता है 10/12 ही बड़ा होगा, ठीक है, उसकी तरफ हमने मुंह ओपन करा हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 10/12 किसका नाम है, 10/12 जो है वो आपका जो है 5/6 का नाम है, और जो आपका
3/12 वो किसका नाम है आपका, 1/4 का नाम है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने पूरा छोटा कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार की नोट करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड का बी पार्ट। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हो तो, ठीक है। और ये चैनल स्पेशली 6th क्लास के लिए है, तो 6th क्लास से रिलेटेड ही वीडियो बनाई जाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा साथ देंगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आपके लिए लेकर आई जाएंगी जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। फिर स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद 2/3 और 3/5। अब हमें पता लगाना है कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो वही सेम करना है, ठीक है। 2 का टेबल लिखे 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 2 4 जो 8, 2 5 जो 10। ऐसे 3 का लिखे 6 3 2 जो 6, 3 जो 9, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है आपको क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था, अब इसका लिखना है 3/5 का। तो 3/5 का भी आप कैसे लिखेंगे, 3 का टेबल लिखेंगे और ऐसे 5 का टेबल लिख देंगे, ठीक है। समझ आगे, 3 2 जो 6, 3 जो 9, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, 5 2 जो 10, 5 6 जो 15, 5 4 जो 20, 5 4 जो 25, और फिर 2 2 डाल देना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है कि अब देखना है कि दोनों में जो है कौन सी भिन्न समान है, ठीक है। मतलब जिसका हर समान हो, नीचे वाले को हर बोलते हैं ना, तो आप देख लिए कि यहाँ पे 15 है, यहाँ भी 15 है, तो हमने 15 लिख दिया। यहाँ लिख दिया कि 2/3 और 3/5 में समान हर 15 वाली तुल्य भिन्न क्रमशः ये और ये है। अब ये 10/15 किसका है, जो 10/15 डी स्टूडेंट वो किसका है, 10/15 जो है आपका 2/3 का है। ऐसे ये जो 9/15 वो किसका है, 3/5 का है। अब आपको बताना है कि कौन बड़ा होगा। अब आप समझ सकते हैं कि 10/15 बड़ा होगा, हायर नॉट ये सूर्य बड़ा ही होगा। अब 10/15 जो है वो उसका नाम क्या है, 10/15 का नाम है, यहाँ पर देखो 2/3। ऐसे 9/15 का क्या नाम है, 3/5। यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने आंसर पता लगा लिया कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये बड़ा है, तो हमारे आंसर आ गया। समझ में आ गए डियर स्टूडेंट्स। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। और मैंने सारी वीडियो बना दी हैं, ठीक है, बहुत सारी असेसमेंट की भी बना रहा हूँ, ठीक है, और बना भी दी हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।